माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। सीखेंगे क्या आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमाल की ट्रिक है और आप अगर इस ट्रिक को कर पाते हैं तो काफी आपको अच्छा लगेगा और एक्सेल में काफी आपको एक्सेलेंस हासिल होगी। अब देखिए यहां पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं यहां पर क्वालिफाइड लिखने की कोशिश करता हूं, ये देखिए ये क्वालिफाइड लिखा मैंने, तो यहां पर ये दिक्कत आ जाती है, ये हमें लिखने नहीं देगा। यहां पर भी अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर भी ये हमें क्वालिफाइड नहीं लिखने देगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे लिखने देगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वालिफाइड लिखने दे रहा है लेकिन यहां पर नहीं लिखने देगा, फिर देखिए यहां पर नहीं लिखने देगा और इसके नीचे भी हमें लिखने नहीं देगा ये, अगर मैं क्वालिफाइड लिखना चाहता हूं तो। ये देखिए ये नहीं लिख पा रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें मैंने ऐसा किया क्या है कि ये हमें क्वालिफाइड यहां पर लिखने दे रहा था और यहां पर नहीं लिखने दे रहा था, तो इसमें रीजन ये है कि मैंने इस पे लगाया है वैलिडेशन। आइए देखते हैं ये वैलिडेशन लगाते कैसे हैं। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं ये नेम है और ये कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीजनिंग में 66 मार्क्स हासिल किए हैं, 66% एक तरह से कह दिया जाए हासिल किया है, और 66% मैथ में हासिल किया, 88% जीके में और 97% इंग्लिश में। तो कुल मिला के ओवरऑल इनकी एवरेज अगर 75% से ऊपर है तब जाके ये क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज ये क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो इसका स्टेटस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे। देखिए इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपका डेटा है वो सेलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा टाइप में जाना है और डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। फिर डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहां पर आ जाइए, यहां पर आपको एनी वैल्यू दिखेगी, आपके में एनी वैल्यू आ रहा होगा, आप यहां से कस्टम चूज कर लीजिए और यहां पर आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू कौन सा सेल है, पहला सेल हमारा यही है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर G2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, किससे 75 के बराबर हो या तो बड़ी हो, तब हमें यहां पर कुछ एंटर करने दिया जाए। मैंने ये दे दिया, देख पाएंगे कि यहां पर तो क्वालिफाइड आ गया है, लेकिन अब मैं यहां पर क्वालिफाइड टाइप करने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे टाइप नहीं करने देगा। कारण क्या है कि यहां पर इनका जो परसेंटेज है, एवरेज जो है वो 75% से कम है। मैंने क्राइटेरिया निर्धारित की थी 75% की, तो जहां पर 75% से अबव है या 75% है वहां पर तो ये क्वालिफाइड लिखने देगा, और अगर जहां पर 75% से कम है तो वहां पर क्वालिफाइड नहीं लिखने देगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये हमें क्वालिफाइड टाइप करने देगा, तो यहां पर एंट्री पॉसिबल होगी, लेकिन अदरवाइज अगर आप कहीं और एंट्री पास करने की कोशिश करें तो वहां पर ये एंट्री हमें नहीं करने देगा, ठीक है। देखिए यहां पर एंट्री हम कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो यही हमें ये एंट्री नहीं करने देगा। तो ये वो ट्रिक थी, उम्मीद करता हूं ये ट्रिक पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।